ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला कि भाई सबसे पहले तो बात यह है कि भाई आपको ये पता ही है कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है ना। और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। अच्छा एक थ्योरम देखते हैं। द थ्योरम सेज टू पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो पैरेललोग्राम आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, दूसरा ई एफ सी डी एक पैरेललोग्राम। ये दोनों जो हैं एक ही बेस डी सी पर लाई कर रहे हैं। आप देखिए बेस डी सी पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ई एफ सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं सेम पैरेलल लाइंस पर लाई कर रहे हैं। आप खुद देखिए डी सी और ए एफ। ओके, डी सी और ए एफ आपके दो क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी और ई एफ सी डी का एरिया इक्वल है। तो आप पहले देखिए ट्रायंगल ए डी ई और बी सी एफ में। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी सी एफ में आप क्या पाएंगे, एंगल जो डी ए ई है, ये जो एंगल है डी ए ई, एंगल डी ए ई, राइट, एंगल डी ए ई और एंगल सी बी एफ, ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। आप खुद देखिए ए डी और बी सी पैरेलल हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। अच्छा फिर एक एंगल ले लेते हैं ए ई डी और बी एफ सी, ये दोनों एंगल को आप देखिए, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डी ई पैरेलल सी एफ में, ये करस्पॉन्डिंग लाइंस हो एंगल्स हो गए, राइट। अच्छा एंगल ए डी ई, अगर दो ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी सी एफ में दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी जाहिर सी बात है इक्वल ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि ए डी ई और एंगल बी सी एफ भी इक्वल होंगे। अच्छा इसके अलावा ए डी इज इक्वल टू सी एफ, सॉरी बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ट्राइंगल की एक साइड है ना। तो दो एंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल ए डी ई में एंगल ए डी ई और एंगल डी ए ई और उनके बीच का एंगल ए डी, है ना, एंगल साइड एंगल से आप कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ एंगल, राइट, एंगल बी सी एफ और साइड आपका जो है बी सी और एंगल ये वाला, है ना, कौन सा एंगल, एंगल सी बी एफ, है ना, दो एंगल और एक साइड उनके बीच का। तो दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वल इन एरिया। याद रखिए कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो एरिया उनका इक्वल होता है। तो ए डी ई का एरिया और बी सी एफ का एरिया इक्वल हो गया, राइट। अब आप क्या करिए, अब आप एरिया ऑफ ए बी सी डी को देखिए, फिगर से देखिए। ए बी सी डी को आप दो फिगर्स में तोड़ सकते हैं, दो फिगर्स के एरिया में तोड़ सकते हैं ए बी सी डी के एरिया को। देखिए एक तो एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ये वाला है ना ई बी सी डी। तो अब आप देखिए ए डी ई की जगह हम बी सी एफ रख सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि हमने यहां से देखा कॉन्ग्रेंस से, है ना। तो ए डी की जगह बी सी एफ रख दिया। तो जब बी सी एफ और ई बी सी डी को ऐड करेंगे, ई डी सी बी को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। तो इससे क्या आया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो याद रखिए ये बड़ा काम आएगा क्वेश्चंस में, अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी की जो अपर साइड है ए बी, वो उस पैरेलल लाइन पर टच करते हुए होनी चाहिए, और इसी तरह से दूसरे पैरेललोग्राम ई एफ सी डी का भी जो साइड ई एफ है वो भी उस पैरेलल लाइन पर टच करनी चाहिए, यानी कि दोनों वर्टिसेस ई और एफ भी उसमें ही आने चाहिए। ओके ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, कि तीन कंक्लूजन आया हमारे पास कि दैट इफ इफ पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम बेसिस और इक्वल बेसिस एंड दे लाइव इन सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया, ये हमने अभी प्रूव किया। इसी तरह से कुछ कॉरोलरी भी हैं। कॉरोलरी क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड इक्वल बेसिस एंड दैट हैव इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अगर ए बी सी डी और ई एफ सी डी जो है पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और उनके एरिया इक्वल दिए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेम पैरेलल पर लाई कर रहे हैं, राइट।
इसी तरह से पैरेललोग्राम्स विच लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैव इक्वल एरिया लाई ऑन द सेम बेस, तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगी बच्चे, ठीक है। अच्छा अगला थ्योरम हम देखते हैं, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए सी उसका एक डायगनल है, तो ये इसको दो ट्राइंगल्स में बांट रहा है, राइट। तो अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी लाई ऑन द सेम बेस ए सी, सेम बेस ए सी पर लाई कर रहे हैं ए बी सी और ए डी सी, राइट। तो अब आप देखिए क्या ये इनके एरिया इक्वल होंगे, तो कॉन्ग्रेंस से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, एक पैरेललोग्राम को एक डायगनल से बांट दिया तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। कॉन्ग्रेंस बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना, बी सी इज इक्वल टू डी और ए सी कॉमन हो गए, एस 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 से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स पे लाई कर रहे हैं, कौन सी सेम पैरेलल्स पे लाई कर रहे हैं, ए डी और बी सी पैरेलल्स पे लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एरिया में इक्वल होंगे, ओके। तो कंक्लूजन ये आया, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैव इक्वल एरिया लाई ऑन द सेम बेस, तो तीनों चीजें हो गई। आप एक चीज याद रखिए, पहली वाली चीज याद रखिए, है ना, कोई दो चीज होने पे तीसरी चीज मिल जाए, यानी कि सेम बेस सेम पैरेलल है तो एरिया इक्वल हो गया, सेम बेस और इक्वल एरिया है तो सेम पैरेलल पे लाई करेंगे, सेम पैरेलल और इक्वल एरिया दिया है तो सेम बेस पे लाई करेंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है क्वेश्चंस में, वो क्या है कि अगर सेम पैरेलल्स पे और सेम बेस पे, अगर एक ही बेस पर और सेम पैरेलल पे आपके पास क्या हो, एक ट्रायंगल भी हो पैरेललोग्राम भी हो, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये कहता है, असल में ये एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पहले आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, इसको हम थियरम फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करे एंड बिटवीन सेम पैरेलल आल्सो, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक ट्राइंगल ए पी बी दिया गया है, ओके, ये देखिए ट्राइंगल ए पी बी, और एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया गया है, ओके, दोनों सेम बेस ए बी पे लाई कर रहे हैं, और इस ट्राइंगल ए पी बी का जो वर्टेक्स पी है वो पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल ए पी बी और ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पी सी पैरेलल ए बी पे लाई कर रहे हैं। आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए पी ए बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर ली, हमने क्या कहा, बी क्यू पैरेलल ए पी हमने ड्रॉ कर लिया, बी क्यू पैरेलल ए पी हमने ड्रॉ कर लिया, इससे क्या हो गया कि ए बी सी डी और ए बी क्यू पी दो पैरेललोग्राम हमें मिल गए सेम बेस ए बी पर और सेम पैरेलल लाइंस पे, तो इससे क्या मिला, ए बी क्यू पी, है ना, ए बी क्यू पी का एरिया ए बी सी डी के बराबर होगा थ्योरम वन से। अब ट्राइंगल पी ए बी क्या है, इस कॉन्गनेंट टू ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है, ये ट्राइंगल ये इसके कॉन्गनेंट होगा, है ना, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की और ये तीसरी साइड कॉमन, तो एस 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 से ए पी बी और बी क्यू बी, एक डायगनल जो है पैरेललोग्राम का ए बी क्यू पी का डायगनल बी पी, उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में बांट रहा है, तो पी ए बी का एरिया ट्राइंगल बी क्यू पी के एरिया के बराबर है, देयरफॉर एरिया ऑफ पी ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू क्यू पी। और इसी तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि ए बी क्यू पी का एरिया ए बी सी डी के बराबर है, तो पी ए बी का एरिया हाफ है ए बी सी डी के, ओके, इस तरह से प्रूव हो गया ये, ठीक। फ्रॉम वन एंड थ्री, फ्रॉम वन वी गॉट ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का एरिया इक्वल है ए बी सी डी के, सेम पैरेलल और सेम पैरेलल लाइंस पर लाई कर रहे हैं दोनों पैरेललोग्राम, अच्छा, और पी ए बी जो है डायगनल जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, पैरेललोग्राम ए पी क्यू पी को ए बी क्यू पी को डायगनल बी पी दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो पी ए बी का एरिया इक्वल होगा आधे के, हाफ ऑफ ए बी सी डी ए बी क्यू पी के, और ए बी क्यू पी की जगह हम क्या लिख दें, ए बी सी डी लिख देंगे, ओके, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन हमने कल किया है, ये एरिया से रिलेटेड था, आसान था। क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन में
ये एच एफ लाइन बिलीव ही नहीं दिखाई है, ये हमने खुद ज्वाइन करी। ई एफ जी एच जो है मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी के साइड्स के, है ना। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट, एफ बी सी का मिड पॉइंट, जी सी डी का मिड पॉइंट और एच ए डी का मिड पॉइंट। आपको क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये जो बीच का जो क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी के एरिया का हाफ है। ठीक है, पहली चीज देखिए, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम है ना, और ए डी इज इक्वल टू बी सी भी है। अब इसका मतलब क्या है, ए डी का अगर मैं हाफ करूं और दोनों साइड अगर मैं हाफ कर दूं, दैट मीन्स हाफ ऑफ ए डी एंड हाफ ऑफ बी सी विल बी इक्वल, दैट मीन्स वी कैन से ए एच विल बी इक्वल टू बी एफ एंड सिमिलरली ए एच विल बी पैरेलल टू दिस। सिमिलरली वी कैन से, है ना, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, तो ए एच मिड पॉइंट है, तो ए एच और बी एफ इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है पिछले चैप्टर में, इफ अ क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, थ्योरम 8.8, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम, द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ए एच पैरेलल बी एफ एंड डी एच पैरेलल सी एफ। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया कि ए एच एफ बी, ठीक है, ए एच एफ बी और ए एच, अब ऐसे लिख लेते हैं ए बी एफ एच, ए बी एफ एच भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसी तरह से एच एफ सी डी भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, अब आप देखिए फिगर में, इस फिगर को मैंने दोबारा ड्रॉ कर लिया। इस फिगर में देखिए, अगर मैं एच एफ को मिला दूं तो ट्राइंगल ई एफ एच जो है और पैरेललोग्राम ए बी एफ एच है, ये सेम बेस एच एफ पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस पे लाई कर रहे हैं, एच एफ पैरेलल टू ए बी होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ई एफ ट्राइंगल ई एफ एच विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, ये आया, एरिया ऑफ ई एफ एच विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच। वाई, बिकॉज बोथ लाई ऑन सेम बेस बेस एच एफ और एफ एच एंड द सेम पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल एच एफ, राइट। सो वी कैन से एरिया ऑफ ई एफ एच इज हाफ ऑफ दिस। सिमिलरली एरिया ऑफ जी एच एफ, इस ट्राइंगल का एरिया भी इस पैरेललोग्राम एच एफ सी डी के हाफ होगा, है ना, ये जो होगा ये जी एफ एच, राइट, ये हाफ होगा, सेम बेस एच एफ पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल डी सी पैरेलल एच एफ पर लाई कर रहे हैं, तो ट्राइंगल जी एफ एच का एरिया हाफ ऑफ एच एफ सी डी। ओके, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। आप देखिए ई एफ एच और ई एफ एच का एरिया ऑफ जी एच एफ का एरिया ऐड करिए तो क्या बन गया, ई एफ जी एच बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ए बी एफ एच हाफ ऑफ ए बी एफ एच एंड हाफ ऑफ एच एफ सी डी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए बी एफ एच का ए बी एफ एच, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए, हाफ ऑफ ए बी एफ एच, हाफ ऑफ, हाफ कॉमन ले लीजिए, है ना, टेक हाफ कॉमन, देन ए बी एफ एच प्लस एच एफ सी डी, ए बी एच एच प्लस एच एफ सी डी, ये हो गया ए बी सी डी, हाफ ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे हाफ होना चाहिए, ओके, हाफ कॉमन लिया ना, हाफ ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ कॉमन लिया ना, हाफ कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ओके, इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन, और मेहनत करिए बच्चों पढ़ाई पर, ओके।